कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी दुनिया परेशान और बेहाल है। दुनिया भर में अब तक 33,965 लोग कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं, साथ ही लगभग 7.5 लाख लोग इससे पीड़ित हैं। इटली, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन का तो इस वायरस के कारण बुरा हाल है। अमेरिका ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वहां कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 1,42,000 हो गई है। साथ ही यहाँ 2,484 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है, यहाँ 59,648 लोग संक्रमित हैं और 965 लोगों की जान गई। इटली में 97,689 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि यहाँ 10,779 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्रिटेन में कोरोना के 19,522 मामले सामने आए और यहाँ 1,200 से ज्यादा लोगों की जान गई। स्पेन बेहद दर्दनाक हाल झेल रहा है, यहाँ कोरोना वायरस के कारण एक दिन में सबसे ज्यादा 838 मौतें हुई। स्पेन में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से मरने वालों का आंकड़ा 6,803 पर पहुंच गया है और 80,110 लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। ईरान में कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 38,309 हो गई है और यहाँ लगभग 2,500 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं।